हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल आपकी जो ईएमआरएस की आंसर की थी वो आ चुकी थी। मैंने आपको ये वीडियो बना के भी बता दिया था, यहाँ पर लगा ईएमआरएस ऑफिशियल आंसर की आउट, इसकी ये लिंक थी। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लेना, ठीक है। और इसके लिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया था आपको किस तरीके से चेक करना है। और इसके अलावा जब आपकी आंसर की आई थी तो उसके बाद मैंने एक यहाँ पर पोल कंडक्ट करा के आपको दिया था कि ईएमआरएस जेएसए आंसर की आउट हो चुकी है, कितना स्कोर आपका बनना है नेगेटिव कट कर। इसी तरीके से लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट और हॉस्टल वार्डन के लिए भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाकर ये पोल कंडक्ट आपसे करवाए थे। तो इस वीडियो में हम ईएमआरएस जेएसए का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, ईएमआरएस जो आपका जेएसए का है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, जो कि आपके जो आपके रिव्यू आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो इसके ऊपर रहेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने जो है इस पर पोल नहीं किया है तो यहाँ के पोल कर दिएगा। और ये देखिए, यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पर चले आना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर चले आना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ कम्युनिटी टैब पर चले आना, ठीक है, ये टैब्स होते हैं, आप कम्युनिटी टैब पर चले आना। यहाँ लैब अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है और जेएसए है। तो ये जेएसए का पोल है, तो जल्दी जाइए उस पर और ज्यादा पोल कीजिए। अभी केवल 6,000 है, इसको आप 10,000 से ऊपर ले जाएंगे तो और हमें एक्यूरेट जो डाटा है वो वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा मैंने एक गूगल सर्वे फॉर्म भी आपसे भरवाया था, ये हमारे जेएसए आंसर की आउट हो चुकी है कट ऑफ सर्वे फॉर्म, ये वाला। इस लिंक पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को जाके भर दीजिए, ठीक है, जाइए इसको भर दीजिए, जहां से ज्यादा से ज्यादा हमें एंट्री भी मिल पाएंगे, ठीक है। ये कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया था और इसके अलावा ये सारे मैंने पीडीएफ वगैरह यहाँ पर डाल दी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, ये पोल जो हमने कराया है उसके अकॉर्डिंग कितना आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बन रहा है, ठीक है। इस आंकड़े को हम चेंज करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा देखिए वीडियो। उससे पहले ये देखिए, कल मैंने जो आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, ठीक है, कल जो मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था ना, जो हमने गूगल फॉर्म भरा था कल, तो उसका ये रिव्यू है। बट यहाँ पर कितनी एंट्री है दोस्तों, यहाँ पर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री यहाँ पर काफी कम हमें देखने को मिली है, काफी जो है कम लोगों ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितने लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ से आपको नीचे जाके दिख जाएगा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट, मात्र 215 लोगों ने ही पार्टिसिपेट जो है यहाँ पर किया हुआ है, तो काफी कम लोगों ने किया। आप भी जाइए जल्दी से, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसमें करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इसको अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है नंबर के अकॉर्डिंग, कि किसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं किसके कम नंबर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये देखिए 112, 108, 108, 103, 102, 102, 102, 100, 100, 100, तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बच्चे हमें मिल गए। कितने में मिले हैं ये, मैंने अभी आपको बताया था ना 100 कितना, 21 था, कितना था ना, 121 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिसके 100 या उससे अबव मार्क्स हैं, ठीक है। 112 भी मार्क्स हैं, 108 भी मार्क्स हैं किसी किसी के, ठीक है। यहाँ पर हमने उनके टोटल अटेम्प्ट पूछे थे, यहाँ पर टोटल नेगेटिव पूछे थे, यहाँ पर इस फाइनल स्कोर क्या आ रहा है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हमने आपसे पूछा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केवल 121 में से 10 है। अगर हम इसे 1200 कैंडिडेट पर ले जाए तो ये जो संख्या है हमने इसका कितना कर दिया, 10 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगी, 100 गुना। अगर मैं इसको 12,000 पर ले जाऊँ तो ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं कितना 24,000 पे ले जाऊं, डबल कर देंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा लगभग 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 वही होगा ना, 2,000 इसका 24 का। तो आप देख सकते हैं कि 12,000 पे 1,000 आ रहे हैं और 24,000 पे कितना हो जाएगा अपना, 2,000 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होंगे क्योंकि 100 से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। अगर 24,000 केवल एग्जाम की बात करें, अटेम्प्ट किया, बट ये एग्जाम 50,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने दिया होगा, इसकी हम पूरी पूरी उम्मीद है कि 50,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट है उन्होंने जेएसए का एग्जाम दिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि केवल अगर हम 1200 भी 12,000 भी माने कि 12,000 में से अगर अगर 121 में से 10% के मान के चलिए, मतलब 10 लोगों के कितने 100 से ऊपर है, तो कम से कम 12,000 में 1,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके 100 से ऊपर मार्क्स होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है। तो ये डाटा, फिर उसके बाद देखिए 90 से रिलेटेड कितने सारे, 97, 98, 99, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, चलिए मैं आपको यहाँ से क्लियर करके बताता हूँ। देखिए इसके बाद फिर हम नीचे आएंगे तो देखिए 90, 90, 90, 90, 90, 90 की लाइन भी काफी लंबी, देखिए 90 की लाइन आपको 75 तक लेके आ गई, 75 76 तक, ठीक है। यानी कि लगभग लगभग 65 बच्चे अभी तक ऐसे मिल चुके हैं हमें मात्र 121 में, इनके 90 से ऊपर है, ठीक है। उसका फिर 89, 89, 89 करके इस तरीके से आप नीचे जाएंगे तो जो पूरा मैंने लिया हुआ है इसमें काफी कम है, बट जो देखिए 80 तक हमारे 157 है, तो इसमें डाटा काफी हमारे पास कम है। बट अगर हम इसको मद्देनजर इसको हटा दें, आप ज्यादा से ज्यादा एंट्री करिएगा इसमें, टेलीग्राम पर लिंक है तो जाके उसे जो है उसमें पार्टिसिपेट करिए। अब हम इस एंट्री पर आ जाते हैं जो कि हमारी मेन एंट्री रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाटा ज्यादा देखने को मिल जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये हमारे जैसे आंसर की कितना स्कोर बना डिबेट कार्ड, तो 6.2 लगभग 6,200 है, तो मैं इसको 6,000 मान रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है। अभी अभी हम इसको 6,000 मान लेते हैं कि 6,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने ये पोल दिया है। अब इसमें से देखिए 106 या उससे ऊपर मार्क्स कितने आ रहे हैं, 9%, तो हम इसको मान लेते हैं 10%। 10% का मतलब 6,000 में से कितना हो गया, 600 बच्चे। और आपको मालूम होगा कि जो आपकी वैकेंसी है 759 है, इसका 3 टाइम
बच्चे आपके जो है यहाँ पर सेलेक्ट की जाएंगे फॉर टाइपिंग। किसके लिए? टाइपिंग के लिए जो आपके बच्चे सेलेक्ट किए जाने वो इतने किए जाने, 3 नाम, 27, 3 5 15 16 17, 3 7 21 और 1 22, 2200 मतलब मैं मान रहा हूँ चलो 2400, मोटा मोटा आपके 2400 बच्चे पास किए जाएंगे, किसी के डबल डबल नंबर भी आए तो 2400 बच्चे पास किया ना, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ केवल, ठीक है, केवल इतने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, ध्यान रखना। अब उसमें से 106 से लेकर 112 में कितने बच्चे आ गए? 600 बच्चे तो यहीं आ गए जिनके मार्क्स 106 या उससे अब हो गए। अब 97 से 105 की बात करें तो 8%, तो मैं इसको भी एक राउंड फिगर में 10% मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें कितना देखने को मिलेगा? 600 देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि अभी इसमें एंट्री बढ़ेगी ना, तो मैं इसलिए इसको राउंड फिगर में ले जाऊँ, 200 हमने यहाँ से कम भी कर दिया है तो उसका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और देखिए 89 से 96 के कितने हैं? 18, तो मैं इसको मान लेता हूँ 20%, ठीक है। इसको मैं किस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ? 20% पे, और इसको हमने कैलकुलेट किया है 10% पे, तो 20% करेंगे तो 1200 होगा, 2400 लोग खत्म हुई कहानी भाई। 89 या उससे ऊपर वाले, ठीक है, 89 या उससे ऊपर वाले में ही कितने बच्चे आ गए भाई साहब? 2400 बच्चे आ चुके हैं, और ये केवल पोल है आपका 6000 का, ठीक है, 6000 का पोल है। अगर मान के चलो इसमें से 2000 नेगलेक्ट पोल, मतलब गलत पोल करा हुआ कैंडिडेट ने, तो हम मान के चलते 4000 का स्कोर था, और इसको हम कितना 10% मान लेते हैं, इसको 20% मान लेते हैं, इसको 10% मान लेते हैं, तो यहाँ 400, यहाँ 400, यहाँ 800, कितना हो गया? 1600। तो 1600 तब भी हुआ, और कितने पे? 4000 में। अगर 4000 ने सही करा, 2000 ने मान के चलो रॉन्ग एंट्री कर दी यहाँ पर, ऐसा मान के चले केवल, तो 4000 में से भी 1600 ऐसे आ गए जिसके मार्क्स 90 या उससे ऊपर है, ठीक है। देख लो आप, नीचे वालों का तो काउंट ही नहीं हुआ फिर इसमें, ये आपके एक्चुअल मार्क्स है 90 या उससे ऊपर वाले कितने बच्चे हो रहे हैं? 1600 केवल 4000 पे, केवल 4000 बच्चों पे। बट आपको मालूम होगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ एग्जाम आपको मिनिमम कितना भी ले लो, कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 के, यानी कि 50,000 बच्चों ने तो एग्जाम दिया होगा, है ना। इसे इस वजह से भी एग्री करते हो कि कम से कम ज्यादा नहीं भाई, 50,000 बच्चों ने तो एग्जाम दिया होगा, है ना। तो अगर हम इसके थ्रू निकाले कि 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तो मैं मान के चलो चलो 4000 में 8000 पहले लेके चला, ठीक है। इसका अगर मैं जैसे ही डबल करूंगा, जैसे ही मैं इसका डबल करूंगा, तो ये संख्या भी डबल हो जाएगी ना, कितना? 3200 भाई, 3200 बच्चे आ गए लो 90 से ऊपर, पहली बात, अगर इसको हम डबल कर देंगे। बाकी अभी 6.2 के है, आप लोग इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े चैनल में इसका स्क्रीनशॉट लेकर डालिए कि यहाँ पर जाइए ज्यादा से ज्यादा पोल करिए, तो हमें हो सकता है कि आगे आगे वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर 10,000 या उससे ऊपर की जो एंट्री है वो देखने को मिल जाएगी, तो और हमें एक एक्यूरेट डाटा देख लीजिए। एक दिन में हमारे पास 6200 पोल आ गए, आप इसको शेयर करेंगे तो ज्यादा पोल आएगा। अगर मैं 4000 की, 6000 भी नहीं काउंट कर रहा, मैं 4000 काउंट करूंगी, मैं 4000 पे मैं ले रहा हूँ, तो 1600 बच्चे हमारे ऐसे मिल चुके हैं हमें जिसके 90 या उससे ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 90 प्लस ही मार्क्स आ रहे हैं ऐसे बच्चे जो कितने 1600 बच्चे में मिल चुका है, ठीक है, कितने में से? 4000 में से। अब ये धीरे धीरे जैसा पोल बढ़ते जाएगा, इसमें भी यहाँ पर चेंज होते जाएगा। तो भाई जो मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि वही सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि कट ऑफ काफी हाई आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बन रही है ना कि भाई 759 वैकेंसी मात्र 3 गुना बच्चे बुला रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी इसलिए कम हो रही है क्योंकि 3 गुना बच्चे ले रहा है भाई टाइपिंग के लिए। अगर ये 10 गुना लेता ना, तो यही जो कट ऑफ आपकी जो 90 प्लस हो रही है ना, ये जो कट ऑफ है आपकी रेंज में पहुंच जाती है 83 वाली रेंज में, यानी कि यहाँ से कट ऑफ आपकी उठती। बट अब आपकी जो कट ऑफ उठेगी 89 या उससे उठेगी, हो सकता है कि ये 85 से उठ जाए, किसी किसी एसटी कैंडिडेट की होगी जो एसटी कैंडिडेट से प्रोक्त है, वो 85 से भी अगर हमें थोड़ा सा काट के चले तो वहां से उठ सके। बट जहां तक पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई भी कैटेगरी हो भाई, 90 या उससे ऊपर वालों का ही यहाँ पर सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि हमारे पास केवल 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे भाई। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ये सबसे मेन पॉइंट है। अब तो हमारे पास पेपर भी हो गया, आंसर की भी आ गई, नंबर भी तो चले गया एग्जैक्ट, अब तो इसके अकॉर्डिंग ही निकालोगे ना कट ऑफ कि भाई केवल 2400 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। 50,000 में भी अगर एग्जाम दिया हुआ तो 2400 बच्चों, ये देखो 6000 में से ही, कम से कम 6000 में से 2400 बच्चे मिल गए जिनके 90 सुपर मार्क्स है। अगर इसको 50,000 पे लेके चले गए तो कम से कम भाई साहब ये आंकड़ा जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये आंकड़ा उठ जाएगा यहाँ से 95 प्लस में पहुंच जाएगा, हो सकता है 100 प्लस पे ही पहुंच जाए। 2400 बच्चे हमें ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके मार्क्स 100 या उससे ऊपर हो, केवल 2400 बच्चे इतने मिल सकते हैं आपको। आप लोग बोलते हैं इतने मार्क्स आ ही सकते कैसे आएंगे भाई, इतना खतरनाक कॉम्पिटिशन है ना, इतना बच्चा इतनी बुरी तरीके से तैयारी कर रहा है। लाइब्रेरी में जाके देखो, जो बच्चे 5 5 10 10 साल से लगे ना, वो भी इसका फॉर्म भरते हैं, उनसे लड़ दोगे आप? 6 महीने में पेपर दे रहे हो, 1 साल में पेपर दे रहे हो, 5 साल वाले से कैसे लड़ोगे? तो वो बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत बड़े वाले, ठीक है, जो 100 130 का पेपर है ना, 125 वाले भी होंगे इसमें से, ठीक है, 125 वाले आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपका वो इतना जीके टफ आ रहा है और ये वो, भाई कितना भी टफ आ जाए वो, ये बहुत खतरनाक लोग बैठते हैं इसमें। यूपीएससी वाले तक इसका फॉर्म भर देते हैं जब उनकी फाइनल अटेम्प्ट नहीं हो पाता या वो मतलब उनको ज्यादा जल्दी उठ जाओ लेनी, तो वो ले भर देते हैं, उससे जीते जाओगे यूपीएससी वाले से। तो ये चीज है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों इस वीडियो के आधार पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसके आधार पर 1 2 दिन बाद ये अपडेट हो जाएगा तो वहां पर हमें और एक्यूरेट मिल जाएगा। तो मैं वही बोलूंगा फिर से भाई कि यूआर वाले भाई, आप मान के चलो 98 प्लस इतना आ रहा है तो ही आप टाइपिंग करें, और फिर भी मैं बोल दूंगा अगर 95 का तब भी आप टाइपिंग कर ले, हो सकता है किसी
आपका केसेस में हो सकता है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम चले, किसी केसेस में हो जाए, बट जहां तक उम्मीद है कि 98 या उससे ऊपर है तो ही आप टाइपिंग करें, है ना। वैसे टाइपिंग तो आपको करनी चाहिए, कि मान के चलो आपके 95 भी आ रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हो तो बेकार थोड़ी ना भाई, स्किल सीख जाओगे आप, वो आगे और आगे और एग्जाम दोगे, CHSL वगैरह दोगे, उसमें काम आएगी। तो टाइपिंग से मत घबराइए, टाइपिंग है ना 98 वाले तो 100% करिए, 98 या उससे ऊपर है, और 95 वाले भी कर सकते हैं UR कैटेगरी से। और OBC EWS की बात करूँ तो भाई कम से कम 95 या उससे ऊपर वाली टाइपिंग करें, ठीक है। और SC ST में बात करें तो वही भाई 90 या उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप टाइपिंग में लग जाइए, 88 वाले भी लग सकते हैं, दो दो मार्क्स और काम कम करके चलिए, यहाँ पर भी कर लीजिए 2 मार्क्स का, तो इतने अगर आ रहे हैं तो टाइपिंग में लग जाइए, है ना। मैं तो यही बोलूंगा बस। बाकी लास्ट अगर जाना है किसी को कि किसी के 85 आ रहे हैं और उसको लगता है कि उसका हो जाएगा तो भी टाइपिंग आप कर सकते हैं, बाकी मैं तो मना ही करूंगा कि आप टाइपिंग ना करें। वैसे करना चाहिए टाइपिंग किस लिए, क्योंकि आगे आपको काम आएगी। बाकी आप देख सकते हो आपके सामने मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, आप बोल रहे थे कि आंसर किया जाएगी उसके बाद कट ऑफ का पता चलेगा, देख लो जो भी आपका जो एंट्री थी उसके बेसिस पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। और एक दो दिन वेट कीजिए, अब मैं कल इसका ना डालते हुए कट ऑफ का वीडियो, परसों एक लास्ट वीडियो डालूंगा कट ऑफ का, ठीक है, परसों एक लास्ट वीडियो डालूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे यूट्यूब जो चैनल है वहां पर जाइए दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर चले जाना यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ से आप कम्युनिटी टैब पर चले जाना, और यहाँ से आप अपनी जो GMR JSA का एग्जाम है उसका यहाँ पर एक बार पोल कंडक्ट करिए। जैसे यहाँ 10,000 या उससे ऊपर डाटा आ जाएगा तो हमें एक लगभग लगभग हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 90% रहेगी कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ इतना ही जा सकता है, 90% उसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ 10,000 से ऊपर हम कैंडिडेट मिल जाते हैं पोल वाले, ठीक है, जो एग्जैक्ट जो कैंडिडेट है वही यहाँ पर पोल करना। तो ये कुछ वीडियो थी दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जो बोलना है आपको बोलिए, अच्छा बोला जो है आपके सामने, मैंने तो आपका जो जैसा जो आपने पोल किया है, जैसा आपने रिव्यू दिया है, जैसा आपने रिमार्क्स दिए, मैं उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। और इससे पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो देख लो आप 6.7 के, और इसमें कोई अंतर नहीं है, वही देख लो आप कि 18% 90 से ऊपर है, देख लो यहाँ पर भी वही सेम है, 99 से 105 देख लो 8%, 10%, 106 वाले देखो 9%, 11%, क्योंकि 6.7 के बच्चे, कुछ फर्क नहीं, वही है, सेम वही है ना, 1-2% का फर्क है, तो बच्चे का वही है, बच्चे थोड़ा ना बदलेंगे, जो मार्क्स आ रहे हैं वही आएंगे, है ना। तो देख लो आप, है ना, और इस वाले को ही करना जो वन डे पूरा, एक दिन पुराना है, इस वाले भी पोल करना, ठीक है। तो चाहिए पोल कीजिए, फिर मिलते हैं 2 दिन बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।